दर्शकों, हम अपने आसपास ऐसी तमाम सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी जानकारी और उनका अर्थ हमें पता नहीं होता। ऐसे में ही हम आज रसोई गैस के सिलेंडर यानी एलपीजी गैस के सिलेंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और एलपीजी गैस का सिलेंडर का रंग कलर लाल क्यों होता है, इसका अर्थ, उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। और आप पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवासु राज पुरोहित। और आज का वीडियो हमें बताएंगे कि रसोई गैस के सिलेंडर का कलर लाल क्यों होता है। दोस्तों, एक समय था जब घरों तक सिलेंडर नहीं पहुंचा था, तो लोग ईंधन के रूप में चूल्हे में लकड़ी व अन्य सामान जलाकर खाना पकाते थे। इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचता था। वही समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी हुआ और ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अब मिट्टी का तेल भी बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब इसकी जगह एलपीजी सिलेंडर ने ले ली है। हालांकि आज भी कुछ गाँव में पारंपरिक चूल्हे से चूल्हे का प्रयोग कर खाना पकाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों, आपने अपने घर में लाल रंग का एलपीजी सिलेंडर ज़रूर देखा होगा। इससे आपको बना गर्म खाना खाने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसे लाल रंग से क्यों रंगा जाता है? वहीं कुछ सिलेंडर अलग अलग रंग के भी होते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के सिलेंडरों का रंग लाल होने के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, एलपीजी गैस अत्यंत ज्वलनशील है। खतरे को भांपते हुए इसे लाल रंग से रंगा गया है, जो खतरे का संकेत भी देता है। इसके अलावा यह सावधानी पूर्वक उपयोग की भी सिफारिश करता है। अब हम बताते हैं आपको इसका दूसरा कारण। एलपीजी सिलेंडर के अलावा बाजार में अलग अलग सिलेंडर भी मिलते हैं, जिनके अलग अलग रंग होते हैं। उदाहरण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सिलेंडर ग्रे रंग के होते हैं। वही नाइट्राइस ऑक्साइड नीले रंग के सिलेंडर में आती हैं। ऐसे में अलग अलग गैसों की पहचान के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्रत्येक सिलेंडर को कलर के हिसाब से पहचाना जा सके। और अब हम आपको एलपीजी गैस के संबंध में कुछ अन्य भी जानकारियां हम आपको देते हैं। भारत में विभिन्न स्थानों पर एलपीजी संयंत्र हैं। अकेले उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ 63 बॉटलिंग प्लांट हैं। वहीं पूरे भारत में 202 बॉटलिंग प्लांट हैं। इन संयंत्रों में गैस को सिलेंडरों में भरकर देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। भारत में एलपीजी की शुरुआत वर्ष 1955 में मुंबई से हुई थी। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। वही केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, जिनके तहत गरीब लोगों और जो लोग इस योजना के कारण रसोई गैस रखने में असमर्थ थे, उन्हें नए एलपीजी गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था। उनके घर रसोई गैस सिलेंडर भी घर पहुंचने लगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको पता चल ही गया होगा कि घर में उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी गैस का टंकी का कलर लाल रंग का कलर क्यों होता है। और इसके साथ साथ अन्य जानकारी भी आपको पता चली होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगते हैं? और वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नमस्कार, फिर एक अलग जानकारी के साथ फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। देवासु राजपुरी चैनल आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो इसे हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आपको कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।